Dear students, today we shall be talking about one of the important topics in aquaculture and that is induced breeding. In this very lecture, we shall be dealing with the induced breeding, that what is induced breeding and why we go for the technique of the induced breeding, what is the history of the induced breeding, and what is the methodology of the induced breeding. We shall be talking about the structure and location of the pituitary gland. We shall be talking about the preparation of the gland extract. We shall be talking about the preservation and storage. We shall be talking about the preparation of the gland extract. We shall be talking about the selection of the brood fishes for the injection. We shall be talking about the various do's and don'ts. While preparing for the brood fish to inject the pistree extract, what is the exact dosage of the, of the pastry extract, and how we determine the dose of injection, and how we breed the fish and how fish spawns. Before proceeding, it is my request to you all to like and subscribe my channel. By first of all, we shall be talking about what induced breeding is when breeding is not allowed to occur naturally but is induced with the help of the hormones we call such a process as the induced breeding and in this very process economically important fish which generally do not breed in captive condition are bred through artificial stimulation Those economically important fish जो ब्रीड नहीं कर पाती हैं कैप्टिव कंडीशन में अब वो क्यों नहीं ब्रीड कर पाती हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे तो उनको जब हम स्टमुलेट करते हैं ताकि वो ब्रीड करें हम उन्हें इंड्यूस करते हैं किसकी मदद से हम या तो उनको पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट, जिसमें फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन या लुटनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी हेल्प से या फिर सिंथेटिक हारमोन इंजेक्ट करके हम उनको स्टूमुलेट करते हैं ताकि वो ब्रीड कर सकें कैप्टिव कंडीशन में एंड वी से दैट दिस स्टूमेशन प्रमोट्स टाइमली रिलीज ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स नाउ वट डज इट मीन द टाइमली रिलीज इट मीन्स द टाइम इट इज द टाइम यू डिसाइड द टाइम दैट वेन यू आर गोइंग टू ब्रीड द फिश एंड ओब्वियसली आई टोल्ड यू दैट इट इज ए ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ द राइफ फिशेज राइफ फिश मीनस वो मछलियां जो मैच्योर है यानी कि जिनमें ओवुलेशन हुआ है जिनकी ओवरी मैच्योर है जिनमें मैच्योर ओवा है हम उन मछलियों को क्या करते हैं कि पिस्ट्री हार्मोन से हम उसको स्टूमुलेट करते हैं और ताकि वो कैप्टिविटी में ब्रीड कर सके अब मजे की बात ये है कि ऐसी मछलियां जो नेचर में आराम से ब्रीड कर लेती है मगर जब हम उन्हें कैप्टिविटी में ब्रीड करवाने की कोशिश करते हैं तो ब्रीड नहीं करती हैं अब उसके पीछे वजह क्या है जिसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं तो जब वो कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं करती हैं तो हमें सहारा लेना पड़ता है आर्टिफिशियल मींस का अब आर्टिफिशियल मींस क्या है कि हम उन्हें पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट करें या हम उन्हें स्ट्रिप करें या फिर हम उन्हें सिंथेटिक हारमोन इंजेक्ट करें जिसकी वजह से वो स्ट्यूमुलेट होती हैं और एक्स को एक्स या स्पर्म्स रिलीज करती है तो इस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग स्ट्यूमुलाई जो हम प्रोवाइड करते हैं फिश को इसी प्रोसेस को हम इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं अब इसमें दो फैक्टर्स दो मैंने हार्मोन्स की बात की असल में जब हम पिस्ट्री का एक्सट्रैक्ट लेते हैं पिस्ट्री हार्मोन हम पिछली ग्लैंड हम लोग निकालकर उनमें से असल में ये हार्मोन्स हैं जो अपना काम करते हैं जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन है जो फिश को इंड्यूस करते हैं ब्रीडिंग के लिए अब थोड़ा सा हम इसी को एलैबरेट करते हुए कि वो आर्टिफिशियल प्रोसेस जिसमें हम पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट का सहारा लेते हैं और हम उसे इंजेक्ट करते हैं मैच्योर मेल में और मैच्योर फीमेल में ताकि वो एक्साइट हो सके और एग्स ले कर सके पॉन्ड वाटर में या फिर कन्फाइंड वाटर में एंड और फिर फर्टिलाइजेशन अंडों की हो सके इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग बोलते हैं और ये जो प्रोसेस है इंजेक्ट करने का प्रोसेस जिसमें हम पिस्ट्री ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट लेकर उसे इंजेक्ट करते हैं फिशेज में उस प्रोसेस को हम हाइपोफाइसेशन बोलते हैं तो आप हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे The artificial means by which the extract of the tree is introduced inside the body of both mature and mature male and female fishes, and then, after excitation that is by stimulation, they release eggs and males they release milk in the pond water or any confined water and

मछली को साल में कई बार ब्रीड करवा सके हम एक से ज्यादा बार भी उन्हें ब्रीड करवा सकते हैं और दूसरा हम लोग क्वालिटी सीड्स क्वालिटी सीड्स हम लोग जो है वो पा सकते सो द क्वेश्चन अराइजेज वाई फिश डज नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी मैनी फिशेस डू नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल

स्टिम्युलेट करते हैं फिशरी को कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करें जो ओवरी पर और टेस्टिस पर एक्ट करते हैं ताकि फिश जो है वो एग्स और मिल्ट रिलीज कर सके सो दैट इज व्हाई इन कैप्टिविटी वी आर अनएबल टू प्रोवाइड देम सच काइंड ऑफ स्टिमूला अब देखें जैसे कि मैं अभी आपसे पीछे भी बात कर रहा था कि नेचर में बहुत सारे स्टिमुलस हैं जैसे कि बहुत सारी मछलियों मछलियां मॉनसून सीजन में ब्रीड करती हैं तो मॉनसून सीजन में उनके ब्रीडिंग का एक स्ट्यूमलेस है कि बारिश का होना पानी का गदला होना टेम्परेचर का ड्रॉप होना ऑक्सीजन का इंक्रीज होना टर्बिडिटी का इंक्रीज होना थंडरिंग उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है या उसके अलावा भी कई या, या, या लूनर पीरियोडिसिटी है ये सब चीजें स्ट्यूमुलेट करती हैं मछली को ब्रीड करने के लिए नेचर में तो आराम से मछली नेचर में ब्रीड करती क्योंकि उसे ये सब चीजें मिलती हैं बहता हुआ पानी थंडरिंग उसे मिलती है Derbidity मिलती है, dissolved oxygen मिलता है है मिलता उसे, तो ये ये हो जाती मछली और 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 पर ये को करते हैं ये environmental factors और luteinizing hormones, और जो है फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि आप इस इस डायग्राम में भी देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सैलिनटी है लाइट है टेम्परेचर है रेनफॉल है फूड uh, है फोटो पीरियड है ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ब्रेन पर एक्ट करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं कुछ हार्मोनल जो है जो फैक्टर्स हैं जैसे एंटी एस्ट्रोजेंस हैं डोपामीन है वो एंटागनिस्ट का काम करते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं तो ये वाली चीजें जो होते हैं ग्लैंड पर एक्ट करती हैं जो उसे स्ट्यूमलेट करती है जो है फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन और लुटनाइजिंग हारमोन रिलीज करने पर जो कि ओवरी पर और टेस्टिस पर जो है एक्ट करते हैं और ओवरी को स्ट्यूमलेट करते हैं एग्स रिलीज करने के लिए और टेस्टिस को स्टमुलेट करते हैं स्पम रिलीज करने के लिए तो इसी वजह से जो मछलियां आराम से नेचर में जो है ब्रीड करती हैं मगर जब हम उसे कैप्टिविटी में लाते हैं तो वो ब्रीड नहीं करती हैं तो इस वजह से हम उन्हें आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं या तो हम उसे हर वो अगर तो फिश हार्डी है या कुछ ऐसी फिशे फिशेस जिन्हें हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि हम उन्हें पौड़ में रखकर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं सेम जैसे कि उन्हें नेचर में मिलते हैं तो ब्रीड कर लेती हैं कुछ को हमें इंजेक्शन देना पड़ता है और वो फिर हम उन्हें पौन में छोड़ देते हैं और वो स्टमुलेट होकर एग्स रिलीज कर, कर लेती हैं और कुछ के केस में हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं यानी कि हम बैली को प्रेस करते हैं या और एग्स हम उनसे रिलीज करवाते हैं तो यही हम बात कर रहे थे ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन अगर इसमें उतार या चढ़ाव हो तो मछली जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है तो ब्रीड नहीं कर पाती है एंड इट ब्रिग्स अबाउट द एक्सेलरेटेड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम दिस्ट्री इन द्लड स्ट्रीम सो अगर ये कंडीशन कंडीसिव हैं अगर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स सही से हैं तो वो एक्सलरेट करते हैं कि जो फिश है वो गोनेडोट्रोफिन रिलीज कर सके जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर जो है फिश को स्टमुलेट करती हैं ब्रीडिंग के लिए तो आज आपको ये पता चल गया कि जो है मछलियां कंफाइंड एनवायरमेंट में ब्रीड uh, क्यों नहीं करती हैं तो अब ये टेक्निक जिसमें हम मछली को इंजेक्शन से ब्रीड करवाते हैं या इंड्यूस करवाते हैं तो हम इस प्रोसेस को इंड्यूस ब्रीडिंग बोलते हैं अब वो प्रोसेस जिसमें हम लोग पिस्ट्री एक्सट्रक्ट लेकर मछली को हम लोग ब्रीड करवाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे हाइपोफाइसेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोफाइ Session. तो ये टेक्निक जिसमें हम हाइपोफाइसिस यानी कि पिस्ट्री को इंजेक्ट करते हैं फिशेस में ताकि वो स्टिमुलेट होकर ब्रीड कर सके हम इस प्रोसेस को हाइपोफाइसेशन बोलते हैं थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि ये ये कहां से शुरू हुआ इंड्यूस ब्रीडिंग का दौर होसे नाइनटीन अर्जेंटीना का रहने वाला इसने पहले अटेम्प्ट किया सबसे पहले हो से 1930 जो कि अर्जेंटीना का रहने वाला था इसने अटेम्प्ट किया इंड्यूस इंड्यूस किस पर इसने वीवी पैरस फिश वीवी पैरस फिश यानी कि वो मछली जो सीधा बच्चों को जन्म देती है उनमें से किसी मछली पर ये ट्राई किया मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जिसमें उस उस मछली ने प्रीमैच्योर ही जो है यंग फिश को जन्म दिया तो मगर ये शुरुआती नींव थी इस इंड्यूस ब्रीडिंग के प्रोसेस की उसके साथ ही पांच उसके तीन चार साल के बाद लगभग 1934 कुछ किताबें 1935 लिखती हैं तो और कुछ किताबें इसको 1930 भी लिखती हैं मगर मैंने जो बुक्स देखी उसमें ब्राजीलियंस जो ब्राजीलियन में वोन एहरिंग वोन एहरिंग ये ब्राजील का रहने वाला था इसने नाइनटीन में इसने फिश को पिस्ट्री हार्मोन का इंजेक्शन देकर सक्सेसफुली ब्रीड करवाया तो इसी वजह से ब्राजीलियंस का नाम पहले आता है फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रीड अ फिश विद द हेल्प ऑफ द पिस्ट्री हार्मोन इट इज ब्राजील हालांकि अटेम्प्ट किसने किया पहले अर्जेंटीना में अटेम्प्ट हुआ और किसने किया होसे ने मगर वो उतना कामयाब नहीं रहा तो पहला कामयाब जो है वो एक्सपेरिमेंट वो ब्राजील में वोन एहरिंग ने 1931 में किया Russians ने यही टेक्निक सर्जियंस पर अपनाई और उसके बाद यूएसए के भी कुछ जो है रहने वाले हैं वो भी इस टेक्निक को यूज करते हैं यूएसए कनाडा वगैरह में भी ये टेक्निक यूज होती है मगर हम ज्यादा उस पर ना जाते हुए हम लोग इंडिया की बात करेंगे इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट ये हामिद खान हामिद खान 1937 पहला अटेम्प्ट हामिद खान ने 1937 में इंडिया में सिरहाइनस मृगला पर किया सिरहाइनस मृगला पर तो सिरहाइनस मृगला पर इंडिया में पहला अटेम्प्ट हुआ इंड्यूस ब्रीडिंग का और फिर चौधरी ने यही टेक्निक इसोमस डेंड्रिकस पर इसोमस डेंड्रिकस पर तो सिरहानेस मृगा मृगला पर हामिद खान ने हामिद खान सिरहनस मृगला ने डेंड्रिकस पर 1955 में 1955 में सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जो है इंड्यूस ब्रीडिंग तो मैंने हमें आपसे ये बता रहा था मगर सक्सेसफुल इंड्यूस ब्रीडिंग का जो जो कंसेप्ट है वो हालांकि अर्जेंटीना में डेवेल हुआ मगर सक्सेसफुली इसे पूरा किया किसने ब्राज़ीलियंस ने एहरिंग ने इसे ब्रीड करवाया ठीक है ये कैट फिशेज को ब्रीड करवाया ब्राजीलियंस ने कैट फिश को वोन एहरिंग ने कैट फिश को ब्रीड करवाया उसके बाद रामास्वामी एंड सुंदरराज 1955 और 56, इन्होंने क्लैरियस फाइव ये फिश है क्लैरियस क्यों क्योंकि इनके बैटर होते हैं बिल्कुल कैट, कैट फिशेस बोलते हैं तो क्लैरियस बैट्रिकस और हेट्रोपन्यूस्टस फोसिलस रामास्वामी 1955 और 56 में फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि हमारी कार्प रोहिता चौधरी और अली कुनी ने लेबियो रोहिता को 1957 में लेबियो रोहिता को ब्रीड करवाया चौधरी और अली कुनी ने फिर उसके बाद हमारी जैसे कि ग्रास कार आइडला और सिल्वर कार्प हाइपॉपथलिक मोलेट्रिक्स इन्हें ब्रीड करवाया ये हमारी सिल्वर कार्प है सिल्वर कार्प है तो इसे ब्रीड करवाया परमेश्वरन परमेश्वरन और अली कुनी ने नाइनटीन 62 में परमेश्वरन एंड अली कुनी दे सक्सेसफुली ब्रीड द एग्जॉटिक चाइनीज फिशेस सच एज ग्रास कार्प ग्रास कार्प जिसे हम टिनोफेरिंगोडन एड, एडला बोलते हैं और आ, सिल्वर कार्प जिसे हम हाइपोथेलमिकथिस मोलेट्रिक्स बोलते हैं तो चोंडर ने 1984 से 1990 में इन्होंने लार्ज स्केल ब्रीडिंग करवाई सिल्वर कार्प की तो अब हमारे पास बहुत सारे नाम हैं हमारे पास हामिद खान है चौधरी है अली कुन्नी है परमेश्वरन है चोंडर है जिन्होंने इंडिया में इस ब्रीडिंग पर बहुत काम किया और इसे सक्सेसफुल बनाया और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया अब एक क्वेश्चन दिमाग में राइज होता है कि हम क्यों इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं क्या जरूरत है हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करने की क्यों क्या जरूरत है तो अब यहां जो आपको आपके सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर है उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो जालियां हैं ले लेकर लोग खड़े हैं ये असल में मछली के बच्चों को पकड़ रहे हैं मछली के बच्चों को पकड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है दूसरी चीज याद रखना बच्चों कि हम क्यों इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं दूसरी चीज कि मान लीजिए आप अपने पॉन्ड में कोई एक मछली पालना चाहते हैं मगर जब आप ये छोटी मछलियां किसी रिवराइन सोर्स से जमा करके लाते हैं तो उतनी छोटी मछली में आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जब ये मछली बड़ी हो जाएगी तो ये प्रिडेटरी फिश होगी या ये एक वीड फिश होगी तो यानी कि आपके पॉन्ड में आराम से एक प्रिडेटरी फिश और एक वीड फिश भी घुस सकती है जो आपकी फीड को का नुकसान करेगी और आपकी मछलियों का भी नुकसान करेगी अब पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम क्यों इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं क्योंकि एक तो हम रिवराइन कलेक्शन से जब हम लोग मछली लाते हैं वेन वी गेट दूड फिश फीड सप्लाई that is derived from the riverine collection which almost inevitably comprises of uneconomical predatory fishes and predatory fishes kuch uneconomical fishes bhi isme pakad mein aa sakti hain aur predatory fishes bhi dusri jo important cheez hai कि आपको यह पता नहीं कि जो मछली आप पकड़कर ला रहे हैं nature से कहीं वो disease तो नहीं है क्या उनकी क्वालिटी गुड है क्या वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं क्योंकि देखें जब आप कैप्टिव कैप्टिविटी में या किसी ब्रूड फिश को आप स्ट्रिप करते हैं इंड्यूस करते हैं ब्रीडिंग के लिए तो आपको ये पता है कि भाई वो ब्रूड फिश फीमेल हो या मेल हो वो आपकी नजरों के सामने है उसने या तो पिछले साल भी ब्रीडिंग की थी तो आपको इसका पता होगा पिछले साल सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहा इन इन मछलियों का तो इस साल भी अच्छे होंगे इस साल भी तो यानी कि एक गुड डीएनए पास हो रहा है प्रोजेनीज़ में तो अब हम जब रिवराइन कलेक्शन से लाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता है कि गुड क्वालिटी के होंगे या नहीं और इनमें अनवांटेड फिशेज होंगी डिजीज फिशेज होंगी या प्रीडेटरी फिशेज होंगी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इंड्यूस ब्रीडिंग हम इसलिए भी करते हैं कि वी नीड डिजायर्ड एग्स एट द आपको ये पता है कि कब मुझे मछली के अंडे चाहिए तो आप उसी दौर में उन्हें ब्रीड करवाते हैं और उसी उस वक्त ही आप अपने पॉन्ड में उन्हें फर्टिलाइज्ड वे में डालते हैं तो यानी कि यू कैन गेट एग्स व्हेन नीडेड एट द फोर्थली देर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन एनकाउंटर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग दम टू of एंड there is इज लार्ज of ऑफ द during ड्यूरिंग transit. तो मछली के लाने ले जाने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टीडीएस काम है इसमें मछली स्ट्रेस में आ जाती है और मछलियों मशली, मछलियां तो और खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है तो इसलिए हम लोग बिल्कुल इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं अपने पॉन्ड के सामने ही मछली को हम लोग इंजेक्ट करते हैं और उसे अपनी देखभाल में रखते हैं और फिर हमें यह खर्चा हमारा बच जाता है पांचवी चीज प्योर एंड कई प्योर स्पॉन एंड फ्राई ऑफ डिजायरेबल स्पीशीज आर अवेलेबल फॉर द कल्चर जिस मछली का हम कल्चर करना चाहते हैं हम उसी मछली के सिर्फ अंडे जो है हमें मिल सकते हैं हम उसी सिर्फ उन्हीं मछली के हम लोग ब्रूड फिशेस को लेकर हम उन्हें इंजेक्ट करके उनसे अंडे ले सकते हैं तो यानी कि हमारे पास अपना मनचाहा फिश स्पीशीज का सीड है और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तरीका इकोनॉमिकल है इससे हमें मछली मछली की सीड की कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ती है कि मान लीजिए अगर हम बाहर से मछली लाते हैं तो हमें अगर एक रुपए की एक एक सीड मिलता है तो यहाँ पर हमें ये लगभग पचास पैसे से लेकर पच्चीस पैसे का सीड पड़ता है और उससे भी कम पड़ता है तो यानी कि हम लोग यहां पर कॉस्ट को भी बचा सकते हैं जो हमें खर्च होती है बाजार से खरीदने में द मेथड इज सिंपल एंड कैन इजीली बी प्रैक्टाइज्ड बाय द लेमैन तो ये इतना आसान मेथड है जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान मेथड है इवन की जिसको साइंस के बारे में फिशरीज के बारे में एबीसी भी नहीं पता है वो भी इन मछलियों को अपने पॉंड में एक अनपढ़ इंसान भी अपने पॉंड में मछलियों को खुद से इंड्यूस ब्रीड करवा सकता है तो ये वजह है कि हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं अब क्या मेथडोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है हमें हम क्या करते हैं इस इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले तो ओब्वियसली हमें हमें ब्रूड फिशेस की जरूरत पड़ती है जो कि मैच्योर मेल और फीमेल होना चाहिए तो अब दो चीजें हमें जरूरत पड़ती है एक तो मैच्योर मेल और फीमेल चाहिए हमें किस लिए एज डोनर और दूसरा दूसरे हमें मैच्योर मेल और फीमेल चाहिए रेसिपियंट जिसे हम इंजेक्ट करें तो अब सबसे पहले हमारा एक फर्ज बनता है कि हम लोग ग्लैंड को कलेक्ट करें कि हम हमने ग्लैंड कहां से लाना है फिर इसे कैसे प्रिजर्व करना है इसका इसकी प्रिजर्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है हम ब्रूडर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं हम उन्हें इंजेक्ट कैसे करते हैं उनकी डोजेज क्या रखते हैं अब दूसरी चीज हम जो कलेक्शन ऑफ ग्लैंड करते हैं उसमें हम सोर्स ऑफ दिस्ट्री क्या है पिस्ट्री की लोकेशन क्या है डिसेक्शन हम कैसे करते हैं तो ये सब चीजें पढ़ेंगे और हम स्टोरेज के के दायरे में हम लोग पढ़ें फ्रीज कि कैसे किया जाता है यानी कि स्टोरिंग के लिए फ्रीज कैसे किया जाता है जैसे कि हम 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 इसे फ्रीज करके भी स्टोर कर सकते हैं हम इसे एब्सलूट अल्कोहल में स्टोर कर सकते हैं हम इसे एसिटोन में स्टोर कर सकते हैं जो हम अब इलेबोरेट वे में पढ़ने जा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वट इज स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ ग्लैंड तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कहां पर लोकेट होता है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए पिस्ट्री लाइज इन ए वेल प्रोटेक्टेड डिप्रेशन द मायोडोम ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कल एक तो पिस्ट्री में एक डिप्रेशन सा है ये यह यहां पर ये यह डिप्रेशन सा है हम इसे मायोडोम बोलते हैं स्कल का जिसे हम जो फ्लोर ऑफ द स्कल में यानी कि ब्रेन के बिल्कुल तल में वेंट्रल साइड पर होता है और ये ब्रेन के सामने ऑप्टिक क्याजमा उसके सामने हाइपोथेलमस के नजदीक होता है अब यहां पर कुछ चीजें हैं इट इज वेल प्रोटेक्टेड इट इज इट इज प्लेस्ड इन ए वेल प्रोटेक्टेड डिप्रेशन जिसे हम मायोडोम बोलते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कल कहां पर फ्लोर ऑफ द स्कल वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन नियर द ऑप्टिक क्याजमा जस्ट बिलो दाइपोथेलमस माइडोम फ्लोर ऑफ द स्कल साइड ऑफ दियर ऑप्टिक्री है ये किस लिए हम लोग लो इसका इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम हम इससे एल एच और एफ एस एच जो है वो एक्सट्रेक्ट कर सके इंजेक्शन के लिए अब देखें ये बड़ी मजेदार बात है कि इसमें क्या है मैंने आपसे कहा कि इट कंटेन्स गोनेट स्टमोन दैट इज ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन और दूसरी बात पिस्ट्री ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन डकलेस जिसे ग्लैंड बोलते हैं सिचुएटेड ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द्रेन ब्रेन अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है एक स्मॉल बिल्कुल छोटा अब यहां पर आप देखेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा छोटा सा यहां पर जो मैं आपको रेड इंक में दिखा रहा हूं इट इज स्मॉल सॉफ्ट व्हाइटिश बॉडी हु साइज एंड शेप वेरी विथ स्पीशीज एक बिल्कुल छोटा व्हाइटिश एक बॉडी है जो कि एक कनकेव कैविटी में

एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इससे गोनेट स्टूबलेटिंग हार्मो एक्सट्रैक्ट कर सकें कौन से गोनेट स्टूबलेटिंग हार्मोन लूटनाइजिंग हार्मोन और फोलिकलिंग हार्मोन अच्छा ये इस, ये इस मैंने कहा कि ये क्या है मैं अब ये सिंपल मानो में कहा जाता है इट इज ए स्मॉल सॉफ्ट व्हाइटिश बॉडी हू साइज एंड शेप वेरीज विद स्पीशीज अब यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज इसका साइज वेरी होता है हालांकि बहुत छोटा होता है व्हाइटिश होता है मगर साइज वेरी करता है अब देखें जैसे कि कार्प्स के केस में राउंड होता है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्प्स के केस में राउंड होता है ओवल होता है ये कटला के केस में क्योंकि हम इस इंड्यूस इंडियन में हम ज्यादा एम्फेसिस जो है मेजर पर रख रहे हैं मेजर कार्प्स पर कार्प पर ही रख रहे हैं इसलिए हम कार्प्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये राउंड होता है कार्प्स कार्प्स में ज्यादातर और ओवल होता है कैटला में और पेयर शेप्ड होता है यह मृगल में हालांकि मृगल और कतला भी कार्प है मगर ज्यादातर राउंड है। मगर कतला ओवल है और मृगल के केस में ये है और के केस में ये है। है। याद रखना है। और कहां पर ये लोकेटेड है ये लोकेटेड है, है कनकेव कैविटी में जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं और इसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम डूरा मैटर बोलते हैं और इट इज अटैच टू ब्रेन बाई अ शॉर्ट स्टॉक कार्ड एज इन फंडिबुलर स्टॉक ये ब्रैंड से ब्रैंड के साथ किससे जुड़ा होता है इनफंडिबुलर स्टॉक के साथ में मगर ये जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि हर एक फिश में ये स्टॉक मौजूद हो जिसके बारे में अभी हम जानेंगे तो यानी कि अब हमने यहाँ पर जाना कि एक डिप्रेशन है जिसे हम सेल, सेला टर्सिका बोलते हैं तो ये एक मेम्ब्रेन से गिरा हुआ है जिसे हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं ये ब्रेन ब्रेन के साथ अटैच है एक छोटे से स्टाक से जिसे हम इनफंडिबुलर स्टाक बोलते हैं और जरूरी नहीं कि इनफंडिबुलर स्टाक जो है हर एक में हो अब ये टाइप पिस्टी ग्लैंड की टाइप्स क्या हैं असल में इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेटिबेसिक और लेप्टोबेसिक तो किस बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं प्लेटिबेसिक और लेप्टोबेसिक जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर तो ये विदाउट स्टॉक है अगर ये पिस्ट्री विदाउट स्टॉक है तो प्लेटिबेसिक अगर स्टाक मौजूद है तो लेप्टोबेसिक तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि पिस्ट्री आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज बेसिक एंड लेप्टो बेसिक इन प्लेटी बेसिक वॉट हैपन्स जैसे कि ईल्स के केस में लेप्टो बेसिक प्लेटी बेसिक जो है वो किसमें होता है मरल्स में ग्लास फिश में ईल्स में तो इसमें क्या होता है फ्लैट फ्लोर होता है और जो infundibulum होता है, इनडिबुलसिस तो यहां पर स्टाक नहीं होता है यहां पर डिस्क एडिनो हाइपोफाइसिस होता है तो अम, मगर लेप्टोबेसिक के के केस में क्या होता है कि इसमें स्टाक मौजूद होता है अगर हम बात करें पिस्ट्री की इसके दो पार्ट होते हैं पिस्ट्री के एक तो ग्लैंडुलर पार्ट होता है जिसे हम एडीनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और एक नर्वस पार्ट होता है जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं